हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग ऑटो लोडर, ऑटो टाइपिंग या फिर पोस्ट पे ऑटो फाइट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और ताकि जो स्टेप्स मैं फॉलो करूँ आप लोगों को वही करने कर लेने हैं। ठीक है, और जो भी मेरा भाई इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मेरे कोई भी ऐसा वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं वीडियो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये ऐप है क्लिकनेट, ठीक है, ये डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अब ये डाउनलोड कैसे करनी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है क्लिकमेट एपीके प्रो, क्लिकमेट एपीके प्रो। प्रो इसलिए करना है क्योंकि जो पुराना वर्जन है ना उसमें आप लोगों को लाइक स्पीड का जो ऑप्शन होता है ना, मैं वो वीडियो में आगे बताऊँगा, वो इनेबल नहीं होता है, मतलब उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ से ये ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एपीके, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ज्वाइन लिंक टेलीग्राम का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आपको इसके सारे वर्जन मिल जाएंगे, ये सारे वर्जन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये फर्स्ट वाला कर लेना है जो 6.0.4 है, ये वाला वर्जन आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ये डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग बता देता हूँ। तो आप लोग को डाउनलोड होने के बाद सिंपल सर्च को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ से इनेबल जो रेड रेड बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, यहाँ से इनेबल कर लेना आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे लाइक मेरे में यहाँ पर है सबसे लास्ट में एक क्लिप में। ठीक है, तो ये ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर देते हैं, यहाँ से अलाउ कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें आप लोग को ये फिर से रेड वाले बटन पे डिजेबल ऑप्टिमाइज करना है। तो ये जो बैकग्राउंड में जो भी ऐप चलती है ना, इनको आपको डिजेबल ही रखना चाहिए, इससे ना फ़ोन हैंग नहीं होता। ठीक है, देन यहाँ से स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद ये आपको टेलीग्राम पे ले जाएगा, तो उसको ना आप लोगों को यहाँ से लेटर कर देना है। ठीक है, लेटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टेट का। ठीक है, तो इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप लोगों के पास ऐसा सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको कोई भी ऐसा कीबोर्ड लेना है जिसमें क्लिप सेव होती हो। ठीक है, क्लिप सेव होती हो और आप लोगों के पास लाइक ऐसा कीबोर्ड होना चाहिए जिसमें क्लिप बोर्ड हो, या फिर कीबोर्ड ना हो के क्लिप बोर्ड हो वो भी चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप लोगों के पास ये साइन की बोर्ड तो ज़रूर होगा अगर आप लोग फाइटर हो तो। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको ओपन करके आप लोगों को क्या कर लेना है, इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास पहले से इनेबल है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको ना इसमें सीपी ऐड करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने ये यहाँ पर सीपी बना के रखी है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें सीपी ऐड कर लेनी है, जितने भी क्लिप आप लोगों के पास हो कर लेना है। ठीक है, मैं फ़िलहाल आप लोगों को एक सेव करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये सिंबल अपने पास आ गया है। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसे फेसबुक में चले जाना है। ठीक है, तो ये पोस्ट फाइट मैसेंजर सब पे चलेगा, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको करना कैसे है। ठीक है, तो मैं फिलहाल रैंडमली यहाँ पे कोई भी एक पोस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये पोस्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैं पोस्ट कर लेता हूँ। पोस्ट होने के बाद आप लोगों को इसको यूज़ कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है। ठीक है, आई थिंक पोस्ट पर जो फाइट होती है वो कमेंट भी होती है ना, तो यहाँ से इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद मतलब वो जो आपकी सीपी वगैरह जो भी है ना उसको यहाँ से ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और भी सीपी बना लेता हूँ कुछ भी, जैसे लाइक यहाँ पे भी मैं वही सब सीपी रख लेता हूँ, लेकिन मेरे पास वो भी होगा। वो यहाँ पे भी मैं दो क्लिप बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में ना, यहाँ पे मैं सीपी टू कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो ये दो होते हैं। ठीक है, अभी मैं उसी पोस्ट पे चला जाता हूँ वापस। तो यहाँ पे मैं आ गया, इसको इनेबल कर लेना आप लोगों को। ऐसे ही ये दोनों ऑप्शन आपको सामने ले आने हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, देखें मैं आप लोगों को ब्रश निकाल के दिखाता हूँ। आप लोगों को इसमें तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, एक ये सेकेंड वाला है। मैं एरो इनेबल कर लेता हूँ। एक ये प्ले वाला बटन है, ठीक है, और एक ये वाला है रेड डॉट वाला, ठीक है, और एक ये थ्री डॉट वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो बीच वाला सिंबल है ना, तो आपको बीच वाले सिंबल पर क्लिक पहले ना आपको इसको सीपी ले आनी है और ये जो बीच वाला रेड डॉट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है।
है ठीक है, और यहाँ से डोंट सो डू नॉट सो अगेन कर देना है ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट होते आप लोगों को ना ऐसे एक बार ये सिटी प्रेस करने और ऐसे सेंड कर देना है ठीक है, दो बार करनी है और ऐसे सेंड करना है। आप लोगों को ये जो बीच वाला आइकन दिख रहा है ना, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ये रेड वाला ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा ठीक है। अब आप लोगों को इसको प्ले कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। उससे पहले ना आप लोगों को करना क्या है, ये जो थ्री डॉट्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर देना है ठीक है। इस पर आई मीन मैं नॉर्मली आप लोगों को इसको चला के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा ठीक है उसका यूज़ कैसे। तो आप ना सिंपली वापस से एक बार अपन ने सेंड कर दिया ठीक है, तो वापस से ना इसी जगह पर कीबोर्ड को ला के और ये जो प्ले वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इस पर क्लिक कर देना है, तो ये अपने आप चलेगा ठीक है। ये ऐसे मैं रख दूंगा इसको, तो ये अपने आप चलेगा ठीक है, ये ऐसे सेंड होता जाएगा। तो अभी ना इसकी स्पीड बहुत कम है ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना स्पीड कम है नॉर्मली ठीक है। तो आप ना इसको थोड़ा सा ऐसे बैक करके और लाइक ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे तो ये फर्स्ट वाला सेटिंग का ऑप्शन लोड सेव ये ऑप्शन आएगा ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करके और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे 1000 ms लिख रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कम कर देना है, जैसे हाँ 10 या 100 कर देना है ठीक है। जितना भी आप लोगों का लाइक फ़ोन हैंग ना हो ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं ठीक है। और यहाँ रिपीट काउंट पे आप लोगों को जितनी लिमिट रखनी है रख सकते हो, मैं फिलहाल 1000 रख देता हूँ ठीक है, आप लोग इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। फिर आप लोगों को थर्ड वाले ऑप्शन प्लेबैक स्पीड पे जाना है और यहाँ से इसको फुल कर देना है ठीक है, बस इतना सा करना है। अब बैक आ जाना है, बैक आके अब वापस उसी जगह पर अपना कीबोर्ड लाना है। ये फेसबुक रिस्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, तो मैं कीबोर्ड वहाँ से ले आता हूँ वापस। अब इसको प्ले करना है ठीक, देखो अगर आप लोगों की फाइट नॉर्मल पोस्ट पे अगर फाइट है ना, जैसे नॉन स्टॉप फाइट पोस्ट पर चलती है, तो वहाँ ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती। तो सीपी से अगर आप लोग फाइट कर रहे हो ना, तो सिर्फ यही स्पीड रखना ताकि आपका फ़ोन कभी हैंग ना करे और ऐसे आराम से चलता रहे। अगर रात भर भी ये चलेगा ना, बस वो जो काउंट है ना वहाँ पे जहाँ मैंने 1000 डाला था, तो आप लोगों को उसको बढ़ा के ना लाइक आप लोगों को देख लेना है कि फ़ाइट कितने टाइम तक की है, तो उसके हिसाब से काउंटेबल रख लेना, या फिर ज़्यादा सीपीएस बनाना ताकि सारी सीपी मिला के ना एक ही काउंट होता है ठीक है। तो 1000 काउंट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वैसे ही आप लोगों को टाइमिंग का ध्यान रखना है। और ऐसे ही आप लोग इसको यूज़ करोगे तो आपका अगर फ़ोन डिवाइस अच्छा है तो आप सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, स्पीड भी बढ़ा सकते हो, या फिर अपना जो मैसेंजर फाइट है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें कैसे यूज़ करना है। तो आप लोगों को ना यहाँ पर क्या करना है, कोई भी इनबॉक्स में चले जाना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ये है ठीक है। तो मैं इसमें आ गया, अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ना फिर से रिकॉर्ड करना है ठीक है। तो फिर से रिकॉर्ड करना है, तो आप लोगों को लाइक क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लाइक फेसबुक का जो ऑप्शंस होता है ना सेंड करने के, या तो वो कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ पे अगर उसको चलाऊंगा ना मैं, तो देखो लाइक मैं आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ, इसको चलाऊंगा ना तो कहीं और क्लिक हो जा रहा है ठीक है, वहाँ पे मतलब सेंड बटन पर क्लिक नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दूसरे तरीके से लाइक आपके अगर यहाँ फाइट है ना, तो क्या करना है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, तो ये मैंने हटा दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, फिर से रिकॉर्ड करना है ठीक है, रेड वाला जो बटन है उसको क्लिक करके और वापस से यहाँ भी वही सब रिकॉर्ड करना है ठीक है। तो यहाँ से ऐसे सेंड करना है, जितनी जल्दी आप करोगे ना उतनी ज़्यादा एक तो ये स्पीड रहेगी, ऊपर से आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हो ठीक है। तो इतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं इसको सेंड करूँगा ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पर भी आप इसको ऑटो लोडर लगा सकते हो ठीक है। तो ये फर्स्ट फाइट इसी से होती है, और एक ऑटोमेटिक टैब आता है जो वो कुछ हाई लेवल का होता है, तो उसे फ़ोन हैंग होता है ठीक है। तो ये नॉर्मली डिवाइस के लिए मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग ऐसे फाइट कर सकते हो और ये कभी रुकने वाला नहीं है, जितनी काउंटेबल आपने डाली है ना उतनी ही रहेगी ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।